मैं 150 गज की एक 3 मंजिल की बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, जो कि 150 गज के अंदर बना हुआ है। और ये जो एरिया है, इधर ही बाथरूम है, स्पेस है, बिल्कुल खुला खुला बना हुआ है। ये ऊपर जाने की एंट्री है और इसके साथ में ही कॉमन टॉयलेट है। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको अंदर, जो कि यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे बने हुए हैं पूरे 150 गज के अंदर। ये पूरा 150 गज के अंदर बना हुआ है। ये सिंक लगी हुई है, ये किचन बनाई हुई है इन्होंने एल शेप में। आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं अगर बिल्डर लेता है तो, और अगर आपको अकेले रहना है तो आपको इस तरीके से मिलेगा। ये अभी मैं ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा हूँ आपको। मैं दिखा रहा हूँ आपको ये बाथरूम है, ये टब लगा हुआ है, काफी बड़ा बाथरूम है। ये सामने रूम है, ये एक बेडरूम, क्योंकि 150 गज के अंदर कुल 2 ही रूम बनाए हुए हैं अभी यहाँ पर, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे। और ये सेकंड रूम, ये सामने से लुक आ जाता है पूरा। ये 150 गज के अंदर बना हुआ है, आप इसको लेने का प्लान कर सकते हैं। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको ऊपर। ये डाइनिंग स्पेस बनाया हुआ है इन्होंने, ये फ्रंट लुक है जो कि मेन गेट है। आप इसको अपने प्लान के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। अब मैं लेके चलूँगा आपको छत के ऊपर। यहाँ से ये इधर से भी गेट है। अब मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, सेम टू सेम इसी तरीके से तीनों फ्लोर बने हुए हैं। स्टेयर्स है, ये ऊपर के फ्लोर की एंट्री। ऊपर के फ्लोर पे इन्होंने 4 रूम निकाले हुए हैं। ये ड्राइंग रूम, ये सामने फ्रंट पे रूम है, फ्रंट के रूम के साथ में ही बालकनी है, इसी के साथ में यहां पर एक किचन दी है। जब मैं आगे की तरफ चलता हूं तो यहां पर ये साफ दी हुई है जो कि जाल है। ये एक बाथरूम, एक ये बेडरूम है, यानी कि फ्रंट पे जो बेडरूम था जो बालकनी के साथ में था, एक ये बेडरूम है, सेम इसी तरीके से सारा बना हुआ है। अब मैं पीछे की तरफ चलता हूँ तो ये तीसरा बेडरूम, ये सामने स्पेस है, ये चौथा बेडरूम, सेम एज इट इज ही ऊपर का फ्लोर भी बना हुआ है। और जो ऊपर का फ्लोर बना हुआ है उसके ऊपर भी 2 कमरे बने हुए हैं, आप इसको देखने का प्लान कर सकते हैं। पूरी बिल्डिंग मिलती है आपको, ये एक एक फ्लैट करके नहीं मिलेगा। और कोई अगर बिल्डर लेना चाहता है तो उस बिल्डर भी लेके इसको बना सकते हैं। 150 गज है पूरा, आप इसको लेने का प्लान कर सकते हैं। मजबूत बना हुआ है, ये ऊपर के फ्लोर की एंट्री है। ये इसी तरीके से सेम जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, और बहुत अच्छी लोकेशन पे है। फ्रंट की गली है वो कम से कम 30 फीट चौड़ी है। मेन रोड यहाँ से मुश्किल से 200 या 300 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये फ्लैट लक्ष्मी नगर के अंदर है। पूरी बिल्डिंग आपको मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे प्राइस के अंदर, आप इसको लेने का प्लान कर सकते हैं।